अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ समाद। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या हबीबुल्लाह। आज जी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। बड़े भाई आ रहे हैं, मेरे बड़े भाई का नाम है हमाद, वो आज आ रहे हैं माशाल्लाह, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आज वो हमारे घर में आ रहे हैं इंशाल्लाह, अबू धाबी से वो आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए आज अच्छा अरेंज करेंगे। देखते हैं खाने के लिए क्या उनके लिए बनाते हैं। बाकी सब आज टोटल आज आपको शेयर करेंगे। और मेरा एक छोटा भाई है अमार, वो माशाल्लाह पुर्तगाल में होता है, उसको भी हम मिस कर रहे हैं। पहले मेरे साथ ही होता था यहाँ पे अलैन में, तो वो जब इधर था तो बहुत ज़्यादा फ़न किया जाता था। हम जाते थे जबल हफीत में बारबेक्यू, ये वो बड़े मज़े हमने किए हैं उसके साथ, लेकिन उसको भी मिस कर रहे हैं। चलें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उसके साथ भी मुलाकात होगी। बाकी चलें आज आप चलते हैं, हम देखते हैं आपको क्या दिखाते हैं, आपको मार्केट में क्या बाय करते हैं, टोटल आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये अब्दुल हनान है, ठीक है, ये मेरा बेटा है सबसे बड़ा, वो मेरी बेटी है पीछे जो छोटी सी क्यूट सी, इसका नाम जिमल है। और चलें जी चलते हैं, चलें जी चलते हैं, ये गाड़ी है हमारी, इसको स्टार्ट करते हैं और आ जाए हमारे साथ, लेट्स गो इंशाल्लाह, फुल आज एंजॉय कराएंगे। चलो जी आप बैठो जिमल गाड़ी में, चले 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 बैठे बेटा। पहले जिमल को बैठाएंगे, ये हमारा असूल है, तो फिर उसके बाद हनान को बैठाते हैं, फिर मामा को, और चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तवक्कलतु अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह वीडियो के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मार्केट में पहुंच चुके हैं जी, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ये पूरा टोटली शूज़ सेक्शन है, इधर शूज़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है ना वो सारे शर्ट्स वगैरह राइट साइड पे इन्होंने रखी हुई हैं, ये शूज़ रखे हुए हैं इन्होंने, स्लीपर हैं ये, सैंडल्स सारी मिक्स पड़ी हुई हैं, ये बच्चों के शूज़ हैं। इस साइड पे जो है वो टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। बाकी और देखते हैं, ये शर्ट्स लगी हैं, ये वाली शर्ट जो है ना मुझे अच्छी लग रही है देखने में, तो ब्लू लाइनिंग वाली प्यारी शर्ट लग रही है, लेकिन प्राइस नहीं ऊपर मेंशन की हुई, लेकिन शर्ट का कलर बहुत प्यारा है, पसंद आई है मुझे ये। बाकी जो है ना मार्केट काफ़ी बड़ी है, मैं सोच रहा था बस उतनी सी है, तो बहुत बड़ी मार्केट है, इधर तक पीछे तक यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें लेफ्ट में देखते हैं, काफ़ी कैबिन बने हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, ग्रोसरी सेक्शन है यहाँ पे देखें, ये सारी यहाँ से चीज़ें लगी हुई हैं। प्राइस ऊपर उन्होंने लगाई हुई है, टोटली हर चीज़ की प्राइस मेंशन की हुई है वहाँ पे, आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है। ये देखें कितनी इन्होंने तरतीब के साथ चीज़ें रखी हुई हैं, चेक करें देख रहे हैं, ये चावल दालें पड़ी हैं, काले चने जो होते हैं बुने हुए वो हैं, पूरा ड्राई फ्रूट यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्राइस ऑलरेडी मेंशन की हुई है, इतना प्यारा डिस्प्ले है इनका, अच्छा लग रहा है डिस्प्ले। ये देखें जी बेकरी सेक्शन है माशाल्लाह, इतना अच्छा इन्होंने ये देखिए डिस्प्ले किया हुआ है, चेक करें ज़रा, ये सारी यहाँ पे बेकरी सेक्शन में कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए पेस्ट्री इतने इतनी मज़ेदार, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, देखें ये लाइट ऊपर से शायद की ब्लिंक कर रही है उसकी वजह से, ये सारे पड़े हैं यहाँ पे ओलिव, ये टोटली जो है ना वहाँ पे इजिप्शन और बहुत सारी कंट्रीज़ के, ये देखें ओलिव ऑयल ओलिव पड़े हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जैतून है जैतून, कुरान पाक में बकायदा इसका जिक्र किया है,
और ये जो है ना जैतून खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ये चीज़ है, ये मसली है, मसली चीज़ इजिप्शियन, ये भी इजिप्शियन चीज़ है। ये सारी चीज़ पड़ी है यहाँ पे टोटली, इस तरह देखें मेंटेन करके उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, सफाई कितनी ज़्यादा है। ओनियन देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा ओनियन है, साफ सुथरा अच्छा लगाया हुआ है ऊपर। ये लगा ये जी रिमल ने फड्डा डाल दिया है, टैटू का फड्डा हमारा जो है ना चलता ही रहता है अला तोड़। अभी ये हमने लिया है और मैं कह रहा हूँ नहीं ले लो छोड़ दो, कितनी दफ़ा ये लेके ऑलरेडी लेके दिया लेकिन फिर भी जो है ना कहती है यही लेना है। ये देखें बच्चों की यहाँ पे कितनी सारे गाड़ियाँ टॉयज कितने अच्छे लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत प्यारी गाड़ियाँ हैं ये। क्या पकता है, अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर इसका चेक करें ज़रा, ये इसका स्टेयरिंग देखें कितना प्यारा बना हुआ है, मीटर चेक करें, ये बटन से इधर एडजस्ट कर सकते हैं सारा यूं करके, इसका स्पीडोमीटर देखें ज़रा डिजिटल है और एनालॉग भी है दोनों तरह का, और ये देखें ज़रा ये अभी इसका ऑयल चेंज होने वाला था गाड़ी का और फिल्टर भी, ऑयल और फिल्टर मैं ले आया हूँ। इसमें आता है शेवरलेट मलिबो में और शेवरलेट इंपाला में, ये वाला आता है ऑयल, ये ओरिजिनल ऑयल एसी डेल्को का, इसके अंदर ये कंपनी का ऑयल आता है और सिल्वर कलर में 5W30। और अगर आपके पास भी कोई शेवरलेट गाड़ी है तो यही ऑयल इसमें डालें, दूसरा ऑयल नहीं डालें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑयल एसी डेल्को, ये वकाल है ओरिजिनल ऑयल है कंपनी का। और अभी ऑयल चेंज हो रहा है, जैसे ऑयल चेंज होगा उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। ये अभी इसके अंदर जो है ना इंजन ऑयल डालने लगे हैं गाड़ी के अंदर, ये देखें ज़रा ऐसे प्रोफेशनल आदमी है। मैंने कहा इसके ऊपर कोई लगाओ चीज़, लेकिन वो कहते हैं भाई नीचे नहीं गिरेगा, बाहर नहीं आएगा, सीधा अंदर जाएगा, चेक करें जी माशाल्लाह, वाकई जी भाई जान मान गए हैं जी। और गाड़ी की लाइफ जो है ना ऑयल से होती है, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी और ख़ुराक चाहिए ना, इसको भी ज़िंदा रहने के लिए इसके इंजन को ऑयल चाहिए, और अच्छा वाला ऑयल चाहिए, दो नंबर ऑयल नहीं चलना ऑयल के मामले में, गाड़ी के ऑयल के मामले में नो कम्प्रोमाइज़, सही है ना भाई जान? सही है। इसके अंदर आता है 5 लीटर, वो जो गैलन थी ये वाली गैलन जो थी वो थी 4 लीटर की, ये वाली है 1 लीटर की, सो इट मींस टोटल मिला के 5 लीटर इसके अंदर जाएगा इस गाड़ी में। एसी डेल्को माशाल्लाह, इसका इंजन है इको टेक। गाड़ी का काम करवाना है इनके पास आए, बहुत अच्छा काम करके देते हैं, ये देखें भाई जान दिल खुश हो गया माशाल्लाह, अच्छा आप आदमी है, इनसे काम करवाएं आके गाड़ी का, अलैन में अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो इनसे काम करवाएं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं गाड़ी का, देखें दिल से, और बंदा प्रोफेशनल है कि ज़रा सा भी ऑयल जो है वो बाहर आ जाए, देखो ना ये चीज़ होती है। पूरा ऑयल नहीं अभी डाला क्योंकि पहले चेक करेंगे इसका गेज क्या वाकई बराबर है, अगर ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डालेंगे, कम थी करना है तो फिर कम डालेंगे, सो एक चेक करना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं। जी जी आज का फूड माशाल्लाह मटर चावल, देखें ज़रा थोड़ा ज़ूम करके दिखाते हैं, देखें जी माशाल्लाह
ये मटर चावल, ये साथ में है रायता, ठीक हो गया। और ये है जी सैलड, और ये देखें जी गोश्त और आलू, माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी देखें जी गाड़ी की लुक चेक करें वॉश करवाने के बाद। भाई लोग भी अब जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस हम जा रहे हैं, सुबह उनका ऑफिस है, ड्यूटी है उनकी, तो अभी बस निकलने लगे हैं। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।